Today, a very interesting topic for my lovable kids. Students, आज जो हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो इंग्लिश ही है पर उसको एक यूनिक वे में आपने हमारा टॉपिक सुना होगा स्टूडेंट एक्सट्रेम्परी अनप्रिपेयर्ड स्पीच और आज जो हम टॉपिक देने जा रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट्सएप. गार्गी, क्या व्हाट्सएप यूज करती हो? Yes, sure. Everyone is using WhatsApp nowadays. Okay. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इसी टॉपिक को इंपॉर्टेंट रख के चलते हैं कि एक्सट्रेम्परी हम व्हाट्सएप पे क्या दे सकते हैं और इस टॉपिक के अंदर हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं. तो गार्गी, मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ एक्सट्रेम्परी जिसका मीनिंग है अनप्रिपेयर्ड स्पीच और गार्गी, मैं आपको एक टॉपिक देना चाहता हूँ कि आप इसके प्रोस एंड कॉन्स बताइए इन द बेस्ट वे ताकि आप अपनी इंग्लिश भी डेवलप करें, हमारे व्यूअर्स की भी करें और व्यूअर्स को ये भी बताइए कि एक्सट्रेम्परी की इंपॉर्टेंस क्या है. So, I'm giving the space to you. My best wishes to you. Best of luck. I'll try my best, sir. Okay, so good morning, friends. I hope all of you are doing well. So, today we are here with a very interesting topic that is extempore. Extempore is when you have to speak simultaneously. Like the topic is given on the spot and aapko kuch 2-3 minute diye jaate to prepare all your points and then you have to speak. And extempore is very useful. Like it can develop your English. You can easily develop your English by using extempore or by practicing extempore. So, extempore, as you can see that, बहुत ही इजी होता है फॉर्म करना. जैसे इट्स मोर और लेस लाइक अ ट्री. लाइक हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमने इसके ब्रांचेस बनाई है सो दैट वी कैन राइट पॉइंट्स ऑन द बोथ साइड्स. सो हमने यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हैं लाइक व्हाट्सएप. वी ऑल नो दैट व्हाट्सएप हैज बोथ प्रोज एंड कॉन्स. लाइक इट हैज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव थिंग्स. सो ऑन वन साइड वी हैव राइट ऑल द पॉजिटिव पॉइंट्स एंड ऑन द अदर साइड वी हैव राइट ऑल द नेगेटिव पॉइंट्स. सो इट इज इजियर फॉर यू एंड फॉर अस ऑल्सो टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू पॉइंट्स. So as you can write that here are the positive points and here are the negative points. So friends, first of all, हम सबको पता है that it is very easy to install. Like we can easily install it from Play Store. So we can tell them okay कि WhatsApp हमारे फोन में आ कहाँ से सकता है. ये हमारे डिफॉल्ट में नहीं होता है, हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ता है. We have and I hope आप सबने भी इंस्टॉल किया होगा, आप सबके फोन में भी WhatsApp होगा. So it's very easy to install. एंड आप जैसे कि देख सकते हैं कि व्हाट्सएप इज ग्रोइंग अप विद मोर एंड मोर फीचर्स. लाइक इसके अंदर हर बार अपडेट में कुछ ना कुछ नए फीचर्स आते हैं. लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज स्टार्टेड विद फ्री मैसेजेस. लाइक यू कैन टेक्स्ट एनीवन एंड एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड. बट नाउ विद अपडेटिंग और विद द कमिंग ऑफ फीचर्स इट हैज एडेड मोर फीचर्स लाइक वीडियो कॉल्स एंड वॉइस कॉल्स. नाउ यू कैन टॉक टू एनीवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड बाय यूजिंग व्हाट्सएप. इवन यू कैन डू वीडियो कॉल्स. फॉर एग्जांपल इफ योर रिलेटिव, आपका कोई रिलेटिव बहुत बीमार चल रहा है, उसकी तबीयत बहुत खराब है एंड आप उससे मिलने नहीं जा सकते, सो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन इजीली डू वीडियो कॉल ताकि आप उसको देख सके, उसके बारे में पूछ सके. और हम लोग ये करते भी हैं. फॉर एग्जांपल योर फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड बट आप उसकी मैरिज में जा नहीं सकते हैं. सो व्हाट योर फ्रेंड कैन डू, आपकी फ्रेंड्स जो होती है वहाँ गई होती है, वो इजीली पिक्चर शेयर कर सकती है सो दैट आप वहाँ ना होकर भी वहाँ हो सकते हैं. सो यू कैन एंजॉय दैट थिंग एज वेल. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट इज कम अप विद द व्हाट्सएप. सो ये सब चीजें हम लोग व्हाट्सएप से कर सकते हैं. व्हाट्सएप से चीजें बहुत ईजी बन गई हैं. और जो अभी अपडेट से फीचर आया दैट इज यू कैन ऑल्सो शेयर द लोकेशन. फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड्स और योर पेरेंट्स आर कमिंग बट दे डोंट नो वेयर आर यू स्टे. सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन ईजिली शेयर योर लोकेशन एंड योर पेरेंट्स कैन ट्रैक दैट लोकेशन एंड दे कैन रीच यू. एंड आपके लिए भी हो जाता है, कहीं आप कहीं जा रहे हैं आपको नहीं पता है तो आपके फ्रेंड्स लोकेशन शेयर कर देते हैं एंड आप उसको फॉलो करके ईजिली उस जगह तक पहुँच जाते हैं. सो दिस इज वेरी न्यू फीचर एंड दिस इज वेरी यूजफुल फीचर फॉर ऑल दोज हु कम टू एनी सिटी विच दे डोंट नो अबाउट, विच वेन दे डोंट नो द वेज, वेन दे डोंट नो वेर दे हैव टू गो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर दैट. एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूज ऑफ व्हाट्सएप दैट इज बीइंग डन नाउडेज दैट इज फॉर द मार्केटिंग पर्पज. Like most of the people they are using or they if they want to sell their products, sell their brands, they are using WhatsApp for it. Like they can make a group, they can add a huge amount of people and they can, you know, they can tell them about their product, about the price, about the material. Like most of the household ladies, जो ladies जो घर में होती हैं, जो बाहर जाके काम नहीं कर सकती है, उनके लिए this is one of the best feature. वो घर बैठे बैठे अपनी marketing कर सकती है, अपने products को sell कर सकती है. कर सकती है. सो एज लाइक दे आर नॉट ओनली होम मेकर, दे कैन डू देयर बिजनेस एज वेल बाय द यूज ऑफ व्हाट्सएप. दे कैन इजिली सेल देम एंड इफ एनीवन वांट्स टू परचेज देयर प्रोडक्ट दे कैन इजिली कुरियर देम. सो इट्स अ वे दे आर बिकमिंग मोर सेल्फ इंडिपेंडेंट. दे आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट विच इज द नीड ऑफ एन आवर वेयर वी इन अ कंट्री लाइक इंडिया वी वॉन्ट ऑल आर लेडीज टू बिकम इंडिपेंडेंट. सो दिस इज अ वेरी गुड फीचर, दिस अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल दोज लेडीज, फॉर ऑल दोज हु वॉन्ट टू रन देयर बिजनेस एट होम ओनली. सो मार्केटिंग पर्पज एंड व्हाट्सएप सबके फोन में होता है तो हम सब लोग देख लेते हैं. आई होप फ्रेंड्स आप लोगों के फोन में भी होगा. आप लोगों के फोन में भी ऐसे बहुत सारे होंगे जो अपना प्रोडक्ट सेल करते होंगे थ्रू दिस व्हाट्सएप. सो आई गेस ये हम सबके लिए बहुत यूजफुल है.
और ग्रुप्स के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, आपके कॉलेज ग्रुप, आपके क्लास ग्रुप, आपके टीचर्स के ग्रुप, सबके ग्रुप्स होते हैं। सो इनसे क्या होता है कि इजीली इफ योर सीआर, इफ योर क्लास मॉनिटर वांट्स टू शेयर एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लास, रिगार्डिंग एनी इवेंट, सो वो एक साथ अगर वो एक एक को मैसेज करेगा तो इतना टाइम लग जाएगा। सो व्हाट्सएप के थ्रू, ग्रुप्स के थ्रू, सिंगल इन्फॉर्मेशन वी कैन ईजिली कन्वे टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ वेरी फास्टर एंड कन्वीनियंट वे। लाइक यू डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग स्पेशल इफ यू वॉन्ट टू यूज व्हाट्सएप। लाइक आपको व्हाट्सएप यूज करने के लिए कोई रोबोटिक्स, को आई टी या कोई कंप्यूटर की कोई स्पेशल चीज सीखनी नहीं होती है, आप खुद से सीख सकते हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट व्हाट्सएप कि आप बहुत ईजिली अपनी तरफ से सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स एंड आई होप जो आपने किया होगा, आपने बहुत हद तक रिलेट भी किया होगा इन सब पॉइंट्स को अपने आप से, क्योंकि हम सब ये चीजें करते आए हैं और करते रहेंगे। सो नाउ फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हर चीज से कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, हर चीज से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। सो जैसे अब हमने पॉजिटिव पॉइंट्स देखे, लेट्स कम टू द नेगेटिव पॉइंट्स। ऑब्वियसली इफ समथिंग हैज पॉजिटिव साइड, फॉर एग्जांपल अ कॉइन हैज टू साइड्स, हेड एंड टेल, सेम एज व्हाट्सएप और सेम एज एवरीथिंग, एनीथिंग यू कैन टेक। लाइक सो इवन व्हाट्सएप हैज अ positive points and some negative points. First of all, we can see the negative point is addiction. People are nowadays addicted to the WhatsApp. Like they are highly addicted to WhatsApp. Like once they have started chatting, they chat for continuously for 3 to 4 hours, which is a bad thing because it hampers our studies. For children who are school going children or who are studying in colleges, they keep their books aside and they start using their phone. So it hampers their studies, especially during examination time. They just keep on asking their friends, तूने कितना पढ़ा, तूने कितना पढ़ा। And I hope friends, आप सब लोगों ने भी कभी ना कभी तो ये किया ही होगा, जितने भी students हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सब ने पक्का किया ही होगा। And especially in holidays, जब हमारे पास कुछ ज़्यादा करने को नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम फोन लेके बस लग जाते हैं। Even हमें भी नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं, बट स्टिल हम लोग कर रहे होते हैं। सो विच इज़ अ बैड थिंग। हमें अपना टाइम बनाना चाहिए ताकि हमारी स्टडीज इफेक्ट ना हो, बिकॉज स्टडीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारी ड्यूटी है करना एंड जो हमें अच्छा सिटीजन बनाने में हेल्प भी करता है। फर्स्ट, और जितना ज्यादा हम व्हाट्सएप यूज करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी आईसाइट वीक होगी। इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग अवर आईसाइट। नाउडेज इफ यू टॉक अबाउट लाइक 20-30 ईयर्स एगो व्हेन देयर वाज नो व्हाट्सएप, देयर वर नो मोबाइल फोन, देन नो पीपल इवन दे डोंट वेयर स्पेक्स टिल 50 or 60 ईयर्स ऑफ एज। बट नाउडेज हम क्या देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों के दे हैव अ पावर ऑफ +1, +2, विच इज अ बैड थिंग। And this is because all because of laptop, WhatsApp and all these things, because हम लोग अपना ज़्यादा सारा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। So it is affecting our eyesight. Not only eyesight, it is making us obesity. Obesity is also increasing because we are not going outside to play any games. We are just sitting inside our home, just chatting on WhatsApp, playing on WhatsApp. So most of the children nowadays are overweight. Overweight, one of the reason is that because most of the time they are spending it on laptops, on WhatsApp, on Facebook. So this is all hampering not only their mental health but also their physical health. And physical health friends is most important, क्योंकि जितनी भी disease है, जितनी भी है, वो सब overweight होने से बहुत ज़्यादा आती है। For example, diabetes, sugar, blood pressure, ये सब चीज़ें आती हैं। So friends, हम लोगों को उतना ही use करना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत हो। So the next point is rumors. Like various rumors, for example, if we can take the example of Jammu and Kashmir. In Jammu and Kashmir, there are several rumors that have been spread using WhatsApp. And people, they get influenced by these videos. So people, इससे क्या होता है कि rumors फैलते हैं, तो rumors फैलने से क्या होता है कि वहाँ पे Jammu and Kashmir, जहाँ पे already इतनी tension है, वहाँ पे लड़ाइयाँ और ज़्यादा हो जाती हैं। So many people, many terrorist group or many groups, they are using, they are making bad use of WhatsApp by spreading these rumors. And friends, हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि हर वीडियो जो व्हाट्सएप पे शेयर होता है वो सच नहीं होता है। देर आर सम फेक वीडियोज ऑल्सो विच आर मेड बाई दीज टेररिस्ट टू जस्ट क्रिएट केओस और क्रिएट टेंशन अमंग सोसाइटी, इन द सोसाइटी, एंड विच दे आर डूइंग वेरी वेल। सो फ्रेंड्स, हम लोग को ये पता होना चाहिए किसी रूमर पे बिलीव करने से पहले या किसी के अगेंस्ट एक्शन लेने से पहले कि वो चीज़ सच भी है या नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉट ओनली रूमर, देर आर सम यूजलेस वीडियोज, लाइक पीपल आर कीप ऑन केप्ट ऑन फॉरवर्डिंग दीज वीडियोज, लाइक विच आर like they say like a must watch video, and people they started downloading it and they just start watching it, so which is a bad thing. Like these videos are just a waste of time. If there is really a very important video, you can google it and you can watch it later, and you know that these videos are not at all important. For example, there are several groups on WhatsApp which are like waste groups. Like obviously there are some useful groups also, but there are some groups which are of no importance to you, but still you are
you keep on just watching everything on that. So which is a bad thing, like you should get yourself removed or you should left the group. There is an option like left, or you can even block if you, if the admin is again and again adding you. So you can block it and you can remove yourself and left the group. And friend, this is most, one of the most increasing and most common problem, that WhatsApp on these, all these Facebooks, these are increasing the generation gap. Like hum pehle kya karte the, jab hamari chuttiyan hoti thi, hum nani ke ya dadi ke ghar jaate the. So what we used to do, we used to spend time with them, kyunki hum unse milne aaye hote. But friends, aaj kya hota hai, hum kahin pe bhi chale jaye, hum log apne phone ke sath busy rehte hain. Hame pata hi nahi ki hamari dadi, hamari nani, jinse hum saal mein sirf ek baar milte hain, like once in a year, but hum unke saath time spend karne ki bajaye hum apne aap mein lage rehte hain. Hum apne friends se baatein kar rahe hote hain, we are clearing in pictures ki hum yahan pe hain, hum wahan pe hain. Instead hame kya karna chahiye, hame apne friends ke saath time spend karna chahiye. And friends, ek bahut hi acha assignment that is given in the Jhunjhunu, and that assignment is given to parents ki like jo parents jo phone pe bahut zyada time spend karte hain, they should spend some time with their children in the holidays. So this is a very good assignment given in the Jhunjhunu, and I hope ki Jhunjhunu se inspire hoke baaki ke states, baaki ke cities and towns mein bhi, baaki ke schools mein bhi aise assignment diye jaye, taki jo parents and children hai wo ek dusre ko samajh sake, wo dekh sake ki haan. And it's very important that parents should plan some trips instead of, you know, like their children is using WhatsApp. So they should plan some trips, they should go with them, they should spend some time, taki hum ek dusre ko janne ka mauka mil sake, kyunki jitna zyada janenge utna zyada hum ek dusre ke bare mein pata lega. And in a country like India, where generation gap is such a big problem, like there are most of fights which is because of the generation gap, because hum ek dusre ko samajh hi nahi pate hain, वहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एंड इसके लिए हम अपना फोन थोड़ी देर साइड में रख सकें. एंड इट ऑल्सो मेक्स अस लिथार्जिक, वी लाइक टू सिट एट होम, वी जस्ट सिट एट वन प्लेस, वी डोंट वॉन्ट टू गो आउटसाइड एंड प्ले गेम्स. सो ऑल दिस थिंग्स मेक्स अस लिथार्जिक ऑल्सो. सो फ्रेंड्स, एज यू हैव सीन दैट वी हैव provided you with both the positive as well as negative sides of WhatsApp, and I hope this will help you. You can improve your English, you can pick up any topic, and you can start making branches like this, and you can start speaking. And one most effective thing that you can do at home, if you think that at home you cannot practice it, so no friends, you can practice it in front of a mirror. A mirror is your best friend when you want to, when you really want to speak English, a mirror is your best friend. So you can stand in front of a mirror and you can revise. And even you can record, if you want to record your speech or you record your extempore, you can record it. And finally, sab hone ke baad ab sun sakte hain, sabko pata lega ki aapki galti kahan thi, kya aap mein confidence kam tha, kya aap fumble kar rahe the, kya aap words bhool rahe the. So it will help you, and it is something that you can do yourself. You don't have to depend on someone else to do this thing. And I hope friends, this video will really help you, and aap is video ki tarah aise bahut se common topics uthayenge and will help you. You can pick up topic like newspaper, pollution, metro cities, village life, rural life, jisme hum dono ki positive aur negative side dikha sakte hain. So friends, ye sirf ek topic tha, there are several topics which you can pick and you can practice, and this really is the best way. बहुत अच्छा लगा मुझे, really I appreciate my concern for my student. आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया और मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा, और ये पैटर्न जो इंग्लिश सीखने का, this is very superb. So we are thankful to Gagi for this. Gagi really is an appreciable part. Thank you very much. और ये जो टॉपिक था हमारा व्हाट्सएप वाला, स्टूडेंट्स ये आप घर पे एटलीस्ट जरूर अप्लाई करेंगे. और आपने बात नोटिस करी, Gagi is able to speak English very fluently. Still, उसने बीच में आपको हिंदी के वर्ड इज देयर, रीजन इज ओनली वन, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट द टॉपिक इज गोइंग ऑन. अगर टॉपिक लिथार्जिक चल रहा है या ह्यूमन्स चल रहा है या फ्री मैसेजेस चल रहा है, वॉइस कॉल चल रहा है, Gagi ने आपको पर्टिकुलर कुछ एग्जाम्पल्स हिंदी में दिए थे, यू मस्ट हैव नोटिसेस. इसीलिए रीजन इज ओनली वन, ताकि आप फैमिलियर हो जाए उन वर्ड से भी. और Gagi आप कुछ ऑडियंस को कहना चाहते हैं? यही कि आप ये लीजिए, दिस इज अ वेरी गुड मेथड टू लर्न इंग्लिश. लाइक यू कैन डू इट एट होम एंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. आप कहीं पे बैठे हो, आपको जरूरत नहीं है कि किसी बुक की, किसी भी चीज की. आप अपने दिमाग में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स लीजिए, लाइक मैंने बहुत एग्जाम्पल दिए, पोल्यूशन हो गया, न्यूज पेपर हो गया, मैगजीन, एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू टेक, एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू थिंक, ओके आई कैन थिंक, एंड जस्ट स्पेंड 5 to 10 minutes. आप 5-10 मिनट लीजिए एंड जस्ट मेक दिस ट्री, जस्ट मेक अ ट्री लाइक दिस. This will really help you. Really, students, और मुझे लगता है कि it's now time to resolve this topic. और मुझे बहुत अच्छा लगा that Gagi has tried it. मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने घर पे इस तरीके की practice जरूर करेंगे. और student, no doubt,
कि आप हमारे वीडियो से सीख रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है इस बात के लिए। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आप हमसे अगर बात करना चाहते हैं या व्हाट एवर द थिंग, हम आपको साइन डेस्क यहाँ पर प्रोग्राम भी करवाते हैं, आपको टेलीफोन स्टडी भी करवाते हैं, इवन हमारी बुक्स भी है। पर आज जो हमने टॉपिक लिया है वो आपको इसलिए देने का रीजन था कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है इस समय हमारे से रिलेटेड, तो भी इन वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गागी, रियली इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक दिया है, और ऐसे टॉपिक्स अगर हम देते रहे तो डेफिनेटली द रिजल्ट्स वुड बी बेस्ट। सो वी लव यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर लाइफ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड डू कमेंट इफ यू लाइक गागी'स लेक्चर। थैंक यू।